गुड इवनिंग एंड वेलकम वंस अगेन टू हाई टी। हाई टी एक ऐसा प्रोग्राम जहां पे आप सीखते हैं टेस्टी रिफ्रेशिंग रेसिपीज, और मैं आपका दोस्त शेफ अजय चोपड़ा आपके साथ करता हूं बहुत सारी मीठी खट्टी तीखी बातें अपनी डिशेस के द्वारा। तो चलिए इसी दौर को आगे बढ़ाते हैं और आज बनाते हैं एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही यूनिक रेसिपी। वेल, रोटी और आलू की सब्जी को हम एक रोल बना के खाएंगे। पहले लोग पूछते थे कि हाई टी में क्या क्या हो सकता है, और अब लोग पूछते हैं कि हाई टी में क्या क्या नहीं हो सकता। तो चलिए इसी हम्बल सी रोटी और एक हम्बल सी आलू की सब्जी को एक बहुत बढ़िया स्नैक बनाते हैं। वेल, इस रेसिपी के दो पार्ट है। एक, इसमें आलू की सब्जी बनाई जाएगी, लेकिन वो बड़ी डिफरेंट होगी। आलू चटपटे होंगे, अचारी होंगे, बहुत ही तीखे होंगे, मजेदार टेस्ट होगा और क्रिस्पी भी होंगे। और साथ ही में जब इसका रोल बनेगा तो उसे हम बैटर में डिप करके फ्राई करेंगे। तो शुरू करते हैं आलू से। मेरे पास ये बॉइल्ड आलू हैं जिनको मैंने डाइसेस में काट लिया है। अब इनको मैं डीप फ्राई कर रहा हूँ। नोटिस करिए कि मैंने इनका छिलका नहीं उतारा। वो इसलिए क्योंकि छिलके के साथ जो कड़कपन है और क्रिस्पनेस है वो और ज़्यादा आएगी। अब इन आलूओं को तब तक फ्राई करना है जब तक ये बिल्कुल कड़क क्रिस्प ना हो जाए, गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तब तक हम इसका मसाला तैयार करते हैं। सबसे पहले एक पैन में तेल गरम करेंगे। ये थोड़ा सा राई का दाना तेल में डालेंगे, और ये जब स्प्लैटर होना शुरू करेगा इसमें डालेंगे थोड़ी सी कलौंजी, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ा सा मेथी का दाना, थोड़ा सा जीरा, और अब मैं डालूंगा इसमें एक सूखी लाल मिर्च जिसको मैं सिर्फ ऐसे तोड़ के इसके अंदर मैं डाल दूंगा। ये मसाले जब भुनेंगे तो एक अच्छा अचारी टेस्ट आएगा। अब इसमें मैं डालूंगा थोड़ी सी पाउडर्ड हींग। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी कटी हुई चॉप हरी मिर्च, नाइस एंड स्पाइसी, अभी जो आलू फ्राई हो रहे हैं इन्हें हमें कड़क करना है, क्रिस्प करना है, और सीधे कढ़ाई से निकालने के बाद मिक्सर में डाल देना है। ये इमली की चटनी है मेरे पास, और साथ ही डालूंगा थोड़ा सा चाट मसाला। अगर इंडियन खाने की बात हो और फ्रेश धनिया ना हो मजा नहीं आता। और फाइनली डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक। अब ये आलू को हम मैश कर लेंगे। बेसन का बैटर बनाने के लिए आपको सिंपल रेसिपी यूज करनी है। थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा नमक, हल्का सा हल्दी का पाउडर, एक अच्छा कलर देगा ये, हल्का सा मिर्च का पाउडर, हल्की सी हींग। कभी आप बेसन का चीला हींग के साथ खा के देखिए, बहुत मजा आएगा। और इसमें डालेंगे पानी एक थिन बैटर बनाने के लिए। ये बेसन का पतला बैटर रेडी है। अब वेरी सिंपली इस रोटी के अंदर हमें इस भाजी को, इस सब्जी को, इस आलू के मिक्सचर को हमें लपेटना है और उसके बाद डीप फ्राई करना है। ये रोटी को एक एनवलप की तरह लपेटना है। अब इस रोटी के जो एनवलप को हम बेसन के बैटर में मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से लपेटेंगे और इस एनवलप्स को डीप फ्राई करेंगे। ये अचारी आलू पार्सल्स को हम अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई कर लेंगे।
और ये ऐसे फुग्गे की तरह फूल रहे हैं जैसे कि इसमें चीज डलाओ, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। देखने में बिल्कुल ब्रेड पकौड़े जैसे, लेकिन बने हैं रोटी से। वाह, अचारी आलू पार्सल, इनोवेशन एट इट्स बेस्ट। और इसे हम खाएंगे थोड़ी सी और इमली की चटनी के साथ, और फाइनली डालेंगे इस पे थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर एंड मेरा फेवरेट, आपका फेवरेट, सबका फेवरेट, धनिया। सिंपल है, इनोवेटिव है। कौन कहेगा कि बची हुई रोटी और बची हुई सब्जी इतनी खूबसूरत दिख सकती है। वेल, इनोवेशन इसी का नाम है। बनाते रहिए, खाते रहिए। अचारी आलू पार्सल्स बनाने के लिए एक कढ़ाई में काफी सारा तेल गरम करें। इसमें आलू के क्यूब्स को सुनहरा और कुरकुरा होने तक तल लें और एक अब्सॉर्बेंट पेपर पर छान लें। एक नॉनस्टिक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल गरम करें, फिर डालें राई और उसे फूटने दें। फिर डालें कलौंजी, सौंफ, मेथी दाने, जीरा और सूखी लाल मिर्च और 1 मिनट के लिए भून लें। फिर डालें 1/4 छोटा चम्मच हींग और भूने। फिर डालें 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और हरी मिर्च और अच्छे से मिलाएं और 1 मिनट के लिए भून लें। अब डालें तले हुए आलू और टॉस करें। फिर डालें 3 बड़े चम्मच इमली की चटनी और टॉस करें। फिर डालें चाट मसाला और टॉस करें और पका लें। धनिया के डंठल काटें और उसमें डालें, अच्छे से मिलाएं और साथ में डालें नमक। फिर टॉस करें और पका लें। अब इस मिश्रण को थोड़ा सा मसलें और 30 सेकंड के लिए पका लें। आँच से हटाएं और रूम टेम्परेचर तक ठंडा करें। एक बोल में बेसन लें, उसमें डालें नमक, बचा हुआ हल्दी पाउडर, बची हुई लाल मिर्च पाउडर, बचे हुए हींग और अच्छे से मिला लें। अब इसमें डालें आवश्यकता अनुसार पानी और एक स्मूथ और पतला सा बैटर तैयार करें। फिर एक रोटी के बीचों बीच एक हिस्सा पके हुए आलू के मिश्रण का रखें। फिर उसे हल्के हाथों से दबाएं और चारों तरफ से फोल्ड करके एक पार्सल बना लें। पार्सल्स को बैटर में डुबोएं और गरम तेल में सुनहरा होने तक तल लें। फिर इन्हें एक अब्सॉर्बेंट पेपर पर छान लें। अब इन तले हुए पार्सलों को तिकोनों में काटें, ऊपर से छिड़के लाल मिर्च पाउडर और धनिया के डंठल से सजाकर इमली की चटनी के साथ गर्मा गर्म परोसें।